1 जुलाई से रेल यात्रियों को अपने शेड्यूल में बदलाव करना पड़ेगा क्योंकि रेलवे नया टाइम टेबल लागू करने जा रही है। साथ ही वेस्टर्न लाइन पर लंबी दूरी की गाड़ियों की गति बढ़ाई जाएगी जिसके कारण यात्रा के समय में 5 मिनट से 115 मिनट तक समय की बचत होगी। वहीं सेंट्रल लाइन पर 1 जुलाई से ही ट्रेनों के समय में बदलाव, लोकल ट्रेनों की संख्या में बढ़ोतरी और लंबी दूरी की ट्रेनों के पड़ाव में बदलाव किए जाएंगे। वेस्टर्न लाइन पर 52 ट्रेनों की बढ़ेगी स्पीड। लंबी दूरी की ट्रेनों की स्पीड बढ़ाए जाने के कारण टाइम टेबल में कई बदलाव किए जाएंगे। वेस्टर्न लाइन पर मुंबई से चलने वाली 16 ट्रेनों का प्रस्थान समय 5 मिनट और उससे ज्यादा पहले कर दिया जाएगा, जबकि 47 ट्रेनें अपने निर्धारित समय से पहले मुंबई पहुंचेगी। गौरतलब है कि वेस्टर्न लाइन पर SCDC कन्वर्जन का काम पूरा होने के बाद लंबी दूरी की ट्रेनों के लिए लोकोमोटिव बदलने का झंझट खत्म हो गया है। पहले बड़ोदरा स्टेशन पर लंबी दूरी की ट्रेनों का इंजन बदला जाता था जिसमें 15 मिनट तक का समय बर्बाद होता था। लोकल ट्रेनों की भी बढ़ेगी संख्या। सेंट्रल लाइन पर लंबी दूरी की ट्रेनों की स्पीड बढ़ाए जाने के साथ ही सर्बन ट्रेनों की संख्या बढ़ाई जाएगी। इस बारे में आधिकारिक तौर पर शुक्रवार को बताया जाएगा। 1 जुलाई से मुंबई रेल यात्रियों को अपने टाइम टेबल में बदलाव करना पड़ेगा क्योंकि रेलवे अपना नया टाइम टेबल लेके आ रही है जिसमें वेस्टर्न लाइन पे 52 ट्रेनों की स्पीड बढ़ाई जाएगी और कई लोकल ट्रेनों की संख्या भी बढ़ेगी जिससे लोगों को काफी लाभ होगा। कैमरामैन रमा के साथ अनिल सिंह की रिपोर्ट, 24 न्यूज़ मुंबई।